तो हेलो भाई, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। टाइम ऑन पार्ट टू मैं पिछली वीडियो में करा दिया हूँ जो बेसिक रहा है, और जिनको मेरा अगला वीडियो जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ इसमें उसका सेकंड पार्ट लाया हूँ। तो जितने भी लोग मेरे चैनल में पहली बार होंगे मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, है ना। बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, क्या क्लिक कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, है ना। करना क्या रहेगा आपको, बेल आइकन क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इससे जो भी वीडियो मैं डालूंगा, मैं अभी सीएसईबी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर छत्तीसगढ़ का निकला है उसमें आपको सहायता मिलेगी, ठीक है। देखते हैं सवाल। जैसे पहला सवाल है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी अकेले इस काम को 16 दिन में कर सकता है, तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। मतलब सी का काम पूछा है मोटा मोटी देखा जाए तो क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस काम को 16 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला, देखो हमारे पास ए की वैल्यू भी है और हमारे पास बी की वैल्यू भी है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। मतलब 1/12 प्लस 1/16 प्लस सी इक्वल टू 1/4, तो C इक्वल टू देखो 1/4 माइनस, मैंने इकट्ठा कंबाइन ट्रांसफर कर दिया है 1/12 प्लस 1/16। अब इस सेक्शन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो, है ना। मतलब 1/12 प्लस 1/16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 3 48, मतलब 12 4 48 और 16 3 48, मतलब कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा। मतलब इसकी जगह पे मैं इसको रख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 7/48, है ना, 48 एलसीएम आएगा 48। देखो 4 × 4 = 8 और 48 कटाके तब जाएगा 7, मतलब 5/48 48 और चेंज करूंगा तो कितना आएगा 48/5। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है वाला, इसी को फॉलो अप कीजिए, क्योंकि एग्जाम के समय बहुत सारे कोर्स होते हैं हमको याद नहीं आता कि बनाना कैसा है करके, है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन को समझना है, यदि ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में और बी इसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा कर सकेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो पहले कॉन्सेप्ट क्या निकालना है कि दोनों मिलकर पूछा है, मतलब हमको लेना है प्लस ए और बी का, यही निकालना है हमको। अब देखते हैं इसको बैठाते कैसे है। देखो बैठाने का जो टेक्निक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोल रहा है, एक किसी कार्य के 2/3 भाग को 10 दिन में, 15 मतलब 1/15 मैं लिख सकता हूँ इसको, है ना, जबकि बी 1/3 भाग को 5 दिन में, है ना। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक कर दे रहे हैं, यहाँ पे गलती हो गया है और ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, ठीक कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन ठीक कर दे रहा हूँ मैं। हाँ देखो ये है 2/5 भाग को 10 दिन में, मतलब 2 × 5 = 10, मतलब ए का मान आ गया 25, और 5 × 3 = 15, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 1/15, मतलब ए का मान 1/25 और बी का मान है 1/15, दोनों मिलकर बोला है तो ए प्लस बी निकालूंगा, तो 1/25 प्लस 1/15 करूंगा, एलसीएम कितना आएगा, 25 × 3 = 75 आएगा, 25 × 3 = 75 और 15 × 5 = 75, मतलब 8/75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 75/8, या फिर उसको तोड़ के लिखूंगा तो 8 × 72 3 × 9/8। तो कॉन्सेप्ट वही है, आपको समझना है कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। यार दो ही अपलोड करते हैं, दो को समझी वही क्वेश्चन देखेंगे,